गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ की एक्सरसाइज 2.9। ठीक है, पहले हमने इसके 8 सम किए थे कल, और आज इसके हम करेंगे 9 से लेकर 16 तक। इनमें से मैं कोई एक दो सम आपको समझा देता हूँ, जो पहले किए उसी तरह के सम है। पहले आपने डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद आपने जो आंसर है उसको वेरीफाई करना है, यानी चेक करना है आपका सम राइट है या रोंग है। क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ EX 2.9, तो 11th सम कर रहा हूं मैं इसका। 11th सम में क्या है, 5,28,717 इसको डिवाइड करना है हमने 1,55,000 से। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इसको दोबारा, सिंपल सम है जैसे पहले किए थे उसी तरह, तो 1,055 से इसको डिवाइड करना है। वन की कोई टेबल होती नहीं है, ठीक है, तो दोनों डिजिट लेंगे 10 की टेबल, तो 10 की टेबल में 52 आता है, नहीं आता है। ठीक है, 52 से कम क्या आता है, 50 आता है, कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है, तो आपने इसको 5 से मल्टीपल करना है। 5 5 25 5 5 25 5 5 5। ठीक है, तो 5 पर क्या आएगी 2 1, ऊपर से 1 लेकर आए, ऊपर से जो डिजिट हमने उतारा है तो ये नंबर बनी है 121, जो इससे छोटी है तो यहां क्या लग जाएगी, 0 लग जाएगी। अब हम क्या कर लेके आएंगे, 7 लेके आएंगे। ठीक है, यहां 10 है, यहां हमारे पास 12 है, तो 10 बन जा 10 1 पर जाएगा, तो 1 से इसको अगर मल्टीपल करेंगे तो यही नंबर आएगी 261। 162 है जो इसका रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, और 501 है जो इसका आंसर आ गया। अब हमने इसको वेरीफाई करना है भी हमारा सम राइट है या रॉन्ग है, तो क्या करेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें 4 डिजिट है तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, और जो आंसर आया उसमें 3 डिजिट है इसको नीचे लिख लेते हैं। 1 से करेंगे सारा सेम ही आएगा, 0 से करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, और 5 से करेंगे तो ये आएगा 5,275 5 5 5 5 8 7 और 1 8 2 और 5। अब जो हमारा रिमाइंडर बचा है वो इसके अंदर ऐड कर दो, 7 1 7 8 2 5। जिस नंबर को हमने डिवाइड किया था 5,28,717 वो ही हमारी आ गई है, इसका मतलब ये सम है जो हमारा राइट है। तो एक सम और कर देता हूं मैं, लास्ट 16 3,69,875 16th sum है ना, 3,69,875 2045 से इसको डिवाइड करना है, तो यहां लिखेंगे 3,69,875 तो देखो यहां 2 है यहां 3 है। ठीक है, तो 2 की टेबल में 3 नहीं आता, 3 से कम क्या आता है, 2 आता है, 2 आता है 1 नंबर पर, यानी पहले कितने पर जाएगा, ये 1 पर जाएगा, 1 से इसको मल्टीपल करेंगे ये आएगा। अब रह गया 3 5 6 और 1, यहां से लेकर आए हम 7। ठीक है, अब देखो यहां पहला डिजिट छोटा है, दूसरा क्या है, 6 16 बन गया, 2 की टेबल में 16 कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर आता है, तो पहले हम इसको 8 से मल्टीपल करके देखेंगे। आपको इतनी बड़ी टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, या पहले डिजिट की टेबल लिखनी होती है,
जैसे कल आपको करवाया था 8 5 जा 40, 8 4 जा 32 और 4 36, 8 2 जा 16, तो 16,360, 7 7 1 ऊपर से क्या लेकर आएंगे 5, ऊपर से जब हम डिजिट लेके आए हैं तो ये नंबर छोटी रहेगी जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे, तो यहां हमें जीरो लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब हमने इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, इसमें देखो 4 डिजिट है, इसको जो आंसर आया उससे मल्टीपल करो, जीरो 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 जीरो, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32 और 4 36, 8 2 जा 16, 5 4 0 2, 0 0 1 8 6 3। अब जो हमारा रिमाइंडर बचा है वो इसके अंदर ऐड कर दो, 5 7 8 9 6 3। देखो जिस नंबर को हमने डिवाइड किया था 3,69,875, सेम नंबर हमारे पास आ गई, इसका मतलब हमारा सम है जो राइट है। तो इसके अंदर आपने 9 से लेकर 16 तक 8 सम कंप्लीट करनी है। 8 सम आपको कल करवाए थे और 8 आज करवा दिए गए हैं। ये सम करने के बाद आपने 19 की टेबल लिखनी है, टेबल कौन सी लिखनी है, 19 की टेबल राइट एंड लर्न 3 बार, 19 1 जा 19 19 1 जा 19 19 1 जा 19। तो ये एक्सरसाइज है जो आपकी कंप्लीट है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।